हेलो सन मून एंड राइजिंग एरीज, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपके न्यू मंथ की रीडिंग है सितंबर 2023 और एक जनवरी रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। आप सब उन मैसेजेस को कंसीडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप उसे मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि क्या मैसेजेस आते हैं। मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें फॉर लाइव सेशन। सो देखते हैं कि मंथ ऑफ सितंबर 2023 में आपके लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज साइन। ओके यू विल बी सेल्फ सफिशिएंट। लाइक आप अपने अपने सेल्फ लव बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, अपने आप में ज़्यादा तवज्जो दे सकते हैं, अपने फाइनेंसिस के ऊपर, अपने काम के ऊपर, अपने करियर पे। और लव लाइफ में शायद आपका ज़्यादा फोकस ना हो तो आप सिंगल और अकेले रहने में ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। सो लेट्स सी, यस, काम काम एंड काम। सो लेट्स सी ये सितंबर मंथ में एरीज साइन के लिए क्या मैसेजेस आ सकते हैं। व्हाट आर द मैसेजेस फॉर एरीज फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2023। आर द मैसेजेस Aries for the month of September 2023. Okay, underneath आपके पास है डेथ कार्ड। ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है आपकी लाइफ में, लाइफ कुछ चेंज आ रहा है, कुछ बदलाव आ रहा है आप में। आप अपने लव पैटर्न्स को चेंज करना चाह रहे हैं आपकी लव लाइफ में। पहले आप जो है रिलेशनशिप्स और इस पे ज़्यादा फोकस थे, लेकिन अब आप में चेंज आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। जैसे मैंने कहा कि आप अपने आप में ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर यही बदलाव आपके अंदर आ रहा है क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मिली है किसी लव रिलेशनशिप में। और बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी है, आपको रिग्रेट हो सकता है जो आपका रिलेशनशिप लॉस हुआ है उसमें, उस हवाले से आपको रिग्रेट हो सकता है। आप स्टिल उस पर्सन को लव करते हैं, बट आप जो लॉस आपने कर दिया इस रिलेशनशिप में उसके बारे में ज़्यादा सोच सकते हैं। बट यहाँ पे बैलेंस लाना, लाइफ में बैलेंस लाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। स्टक फील कर रहे हैं आप अपने आप को, नेगेटिव थॉट्स भी आपके माइंड में आ सकते हैं, अपने आप को बाउंडेड महसूस कर रहे हैं। लेकिन आपने अपने आप को खुद रोका हुआ है। अगर आप कोई रिलेशनशिप छोड़ के आए हैं पीछे, तो आप उसके बारे में सोच तो रहे हैं, आप नॉस्टैल्जिक तो हो रहे हैं, आप उस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, पास की मेमोरीज को रिकॉल कर रहे हैं, बट आप अपने आप को बाउंड करके रखा हुआ है आपने कि आप आप दोबारा से रिकन्सिलिएशन के हवाले से नहीं सोच रहे। यस, रिस्ट्रिक्शंस, बाउंडिंग, और अपने आप को बहुत ज़्यादा कोल्ड बना के रखा हुआ है आपने। आप एम्परर की एनर्जी में आ चुके हैं। या तो आपका ईगो आ रहा है, ईगो बीच में आ रहा है, और इसीलिए आपने अपने आप को रोका हुआ है कि आप उस पर्सन के साथ पास जाके बैलेंस नहीं बनाना चाहते। अब कि वो आपको कितनी बार रिजेक्ट कर चुके हैं, तो अब आपने सोचा है कि आप इस रिलेशनशिप को यहीं तक रहने दें, लेकिन आप अभी भी उस थॉट से बाहर नहीं आ रहे, उनकी मेमोरी से बाहर नहीं आ रहे, तो ये आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। यस, इन द एंड ऑफ द मंथ में कहीं ना कहीं आपको स्लीपलेस नाइट्स बहुत ज़्यादा मिस कर सकते हैं आप। वैसे थ्रू आउट द मंथ आपको छोटी छोटी यादें आ सकती हैं उस पर्सन की, या हो सकता है उस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है, वो पर्सन आपको ब्लॉक करके गए हैं। यस, ब्लॉकेज, रिस्ट्रिक्शंस, कोई बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रहा है आपका पर्सन, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखा सकता है, और ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। एरीज एनर्जी है तो ये आपकी है कि आप जो है आप भी स्टुबर्न हुए हैं। यस, स्टुबर्न, तो यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग बन के रहने की एडवाइस की जा रही है। नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड टेन ऑफ वॉन्ट्स, तो यहाँ पर एंड ऑफ द मंथ में आपको ये एडवाइस, आपके लिए ये सिचुएशन होगी कि
कि एंडिंग्स जो है आपके लिए, जो इस रिलेशनशिप की जो एंडिंग है, फाइनली आपको समझ आएगी कोई चीज़ एंड हुई है, मतलब इस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ एंड हुआ है, और या तो ये रिलेशनशिप ही एंड हुआ है, तो आप इसको बर्दाश्त भी लाइक आप से होगा नहीं, आपके लिए एक अनहेल्दी सिचुएशन है, आप इससे निकलने की कोशिश करें, क्योंकि वो पर्सन नॉट इंटरेस्टेड है, आप उसके पीछे भाग भाग के थक चुके हैं, अब आप इस रिलेशनशिप को एंड करना चाहते हैं, लेकिन आप स्टिल इन लव हैं उस पर्सन के, बैलेंस नहीं हो रही हैं चीज़ें, तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने की एडवाइस की जा रही है इन मंथ ऑफ सेप्टेम्बर में, कि आप थ्रू आउट ये फील कर सकते हैं कि आपके रिलेशनशिप में एंड हो रहा है, रिलेशनशिप एंडिंग की तरफ जा रहा है. ओके, सो लेट्स सी के रोमांस एंजल की तरफ से क्या मैसेजेस आते हैं आपको. वैसे आपके पर्सन जो है वो नॉट इंटरेस्टेड नज़र आ रहे हैं मुझे, हो सकता है उनकी तरफ से आपको रिजेक्शन मिली है, और ये रिजेक्शन आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, आपको लगता है उनके बगैर आपकी लाइफ एक टॉक्सिक है, या हो सकता है पेरेंट्स की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस हों, पेरेंट्स नहीं मान रहे हों, किसी के पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं आपके या आपके पर्सन के, तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस और बाउंड्रीज बहुत हैं आपके लिए, हो सकता है उन्होंने आपको ब्लॉक किया है, रिस्ट्रिक्शंस और बाउंड्रीज बहुत हैं, इसलिए आपको एंड ऑफ द मंथ में ये बहुत ज़्यादा फील होगा कि रिलेशनशिप एंड हो रहा है, जिसकी वजह से आप एंजाइटी में आ सकते हैं, स्लीपलेस नाइट हो सकती है आपकी, और आप बहुत ज़्यादा क्राई भी कर सकते हैं रात को उठकर, याद करना या उनको याद करके सो ना पाना, ये वाली सिचुएशन बन सकती है. ओके, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल. तो आपको कहा जा रहा है कि ये आपके लिए सेफ होगा, कि अगर आप किसी और रिलेशनशिप में एंटर हों तो आपके लिए सेफ हो सकता है. अपने आपको ये एडवाइस दी जा रही है कि आप इस रिलेशनशिप को चांस दें, क्या पता आपने नहीं चांस दिया था कभी, आप अगर इस रिलेशनशिप को चांस देंगे तो शायद आप ये पार्टनरशिप वर्कआउट कर सके, तो शायद आपने चांस ना दिया था, आप अपने रिस्ट्रिक्शंस एंड बाउंड्रीज अपने ईगो में थे, तो हो सकता है उस पर्सन ने भी आपको अब रिजेक्ट कर दिया है, जिसकी वजह से आप समझ नहीं पा रहे कि क्या है. तो अब आप, आपको ये एडवाइस दी जा रही है कि आप स्ट्रांग बने और स्टेप लें, इस रिलेशनशिप को चांस दें, आपके लिए इस रिलेशनशिप को चलाना बेहतर हो सकता है. सो लेक्सी के मोनोलॉजी टेक्स से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं. टाइम फॉर हीलिंग, तो आपको यहाँ पर हीलिंग की ज़रूरत है, हील करें अपने आप को. हीलिंग्स मीन्स के ये जो भी ईगो है, रिस्ट्रिक्शंस आई मीन, इन सब को लाइक अपने आप पे टाइम दें, अपने आप को हील करने की कोशिश करें, खामोश बैठ के समझने की कोशिश करें कि आपको क्या चाहिए, आप क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप से, या अपनी लाइफ से, लाइफ में कैसा रिलेशनशिप चाहते हैं, आपको किस पर्सन के साथ रहना है, और फिर अपनी हीलिंग करें, पास की बातों को भूल कर फॉरगिव करें, फॉरगेट करें, इट्स अ हीलिंग, और अपने सेल्फ लव पे काम करें. हीलिंग्स मींस कि आप जो पीछे छूट चुका है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस ना करें, सेल्फ हीलिंग करें, ये भी आपको कहा जा रहा है. अपने आप पे फोकस करना मींस के हीलिंग करना है. ओके, इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी. तो यहाँ पे नेगेटिविटी को रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है, हील करने के लिए कहा जा रहा है आपको. कोई नेगेटिविटी आपकी लाइफ में है, लाइक ये जो मैंने रिस्ट्रिक्शंस, बॉन्डेजेस, मुझे लगता है फैमिली बॉन्डेजेस हैं, फैमिली इंटरफेरेंस है, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस हो सकती है, तो इन सब चीज़ों को आप रिलीज़ करेंगे तो ही आपकी लाइफ में बैलेंस आ सकेगा. तो लाइक इसमें बैलेंस लाने की कोशिश करें, कोई तरीका निकालने की कोशिश करें कि सिचुएशन आपके हक में हो जाए, और वो पर्सन भी मान जाए, आप भी इस रिस्ट्रिक्शन से निकल जाए और अपने रिलेशनशिप को चांस दे सकें. तो ये चीज़ें कही जा रही हैं आपको, ये बी बोल्ड, अपने आप को बोल्ड बनाएं, स्टेप्स लें अपने लिए, अगर रिस्ट्रिक्शंस फैमिली की तरफ से हैं तो अपने लिए स्टेप्स लें और चीज़ें बेहतर कर लें. तो दैट वॉज योर रीडिंग. इफ इट्स रेजोनेट्स यू, प्लीज लेट मी कन्फर्म इन अ कमेंट बिलो. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.